देखो कितना सुनसान जगह है ये गाइस, इट्स अ रिस्क बट जस्ट फॉर फ्रेंडशिप, जस्ट फॉर दोस्ती, क्योंकि हमने उसको कुछ बोला नहीं और हम ये वेव के पहले हम घर में घुस गए, जस्ट फॉर दैट, बस उसको हम बताना चाहते हैं कि हम क्यों नहीं आए इतने दिन। सो गाइस टुडे इज डे 3 एंड लेट्स होप कि वो मिल जाए, वो आ जाए। आप लोग की प्लीज़ प्रे करो कि हमारा खोया हुआ दोस्त हमको मिल जाए यार, दोस्ती की कसम दोस्त के बिना जिंदगी कैसे चलेगी। एक्सक्यूज मी मिस्टर टाटा इंडिगो, क्या आपने हमारे दोस्त को देखा है? मैंने देखा था उसको, लेकिन वो बहुत ही जल्दी चला गया। तो आज वो जल्दी चला गया। हाँ। तो एटलीस्ट चलो ये होप तो है कि आया था, ये होप है कि आया था, बट वो जल्दी चला गया, पता नहीं क्यों। मैंने वो इसी रोड पे आया था। हाँ। अच्छा, ये हालत आपकी किसने की? मुझे खुद भी नहीं पता। आपके तो सब कुछ सारे पुर्जे टूट गए। क्या करूं? देखो कोई ग्लास भी नहीं है। कोई बात नहीं। जैसा कि उस भूतिया टाटा इंडिगो ने बताया कि वो आज आया था, एटलीस्ट इतना ठीक है, समझ में आ गया कि उसने टाइम चेंज किया था, तो टाइम चेंज कर दिया, इस वजह से हम लोग नहीं मिल पा रहे। तो कल देखते हैं थोड़ा जल्दी आके अगर उससे मिले, नहीं कल तो नहीं होगा, कल तो संडे है, कल नहीं होगा, मंडे, तो मंडे हम लोग को देखना पड़ेगा, अराउंड 5 बजे यहाँ पे आना पड़ेगा। तुम थोड़ा जल्दी अपना काम ख़त्म कर लेना, तो हम लोग 5 बजे आके फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा दोस्त आया है कि नहीं, पर मंडे हमको पकड़ना ही है उसको, चाहे जैसे भी हो। अब पता चल गया है इतना कि वो आता है पर उसने टाइम चेंज कर दिया है, तो अब मंडे हमको जल्दी आना है। क्या बना रहे हो निमाई भैया? आज बनाएंगे सालन मखानी, सिंपल सा, आज आप ही बनाएंगे। आइए मैं तो आज नहीं सालन मखानी मैं बनाऊंगी। क्यों, आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं जाएंगे घूमने के लिए, तो काम आएगा। आप कहीं घूमने जाएंगे? हाँ। अच्छा, और मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप जाएंगे तो खाना कौन बनाएगा यहाँ पे? इसीलिए तो बोल रहे हैं। छुट्टी में तो अभी नहीं जा रहे हो ना? अभी 2 महीने नहीं जाता। हाँ, क्योंकि अभी किशु का एग्जाम है और मार्च में फाइनल है, तो अभी आप दूर दूर तक कहीं छुट्टी पे नहीं जा पाओगे। तो मैं क्यों आई? आइए आइए करे चले, मैं क्यों बनाऊ ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्यों बनाऊ? मैंने इतना अच्छा ड्रेस पहना है, मेकअप लगाया है, बाल ऐसे ऐसे रखे, अब ये सब करके मैं भी उस पे क्यों मैं जाऊँ? कुछ नहीं होगा, सिर्फ दाल उसमें डालना है, बस हो जाएगा।
दाल मखनी को बस दाल में डालना है और हो जाएगा दाल मखनी। अच्छा मतलब सुबह से और कोई मिला नहीं आपको हा? बेवकूफ बनाने के लिए आपको आज खाना बनाने का मन नहीं है तो वो बोलो, मैं आपको हेल्प कर दे सकती हूँ, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या देते हैं क्योंकि मुझे कुछ नहीं मालूम। पानी गर्म हो चुका है, आप दाल डाल दीजिए। इसको काली दाल बोलते हैं, तो काली दाल को अब ये गर्म पानी में, पानी उबल रहा है उसी में डाल, पानी उबल रहा है उसमें डाल देना। अभी कितना गर्म है, भाई भैया हाथ का अगर कचुम्बर निकला। तो गाइस आप लोग ये देखो कि ये दाल को सिर्फ पानी में बॉईल करने का कारण यही है कि ये जो आप देख रहे हो ये पूरा जो दाल का जो मैला है ये ऊपर आ गया, तो अभी इसको निकालना है, हमको इससे निकालना है। मुझे क्यों दे रहे हो पता नहीं, निकाल लिया मैंने। और ये जितना निकलेगा दाल उतनी स्वाद बनेगी, है ना? आज देखना दाल, पूरा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि बोलेंगे वहां पे भी 50-50 शेयर कर लेते हैं, आपका कोई भरोसा नहीं। अब इसमें ये लहसुन का पानी देना होगा। ये लहसुन का पानी कैसे बनाए हैं? 5-6 लहसुन को पीस के उसको पानी, इतना नमक दे दो, इतना दो, इतना नमक दे दिया, 1 चम्मच नमक। अब इसको सीटी लगाने के लिए बंद कर दिया, ठीक है? सीटी लगेगा इसमें 3 या 4 बस, 3 या 4 सीटी में हो जाएगा, ठीक है? आप ही दो, ये मक्खन मैं नहीं दूंगी, ये मुझे छूना भी पाप है, ये जैसी छूंगी वो छू के भी मेरा 2 kg बढ़ जाएगा इसमें। क्या बार बार बुला रहे हो, थोड़ा सा टीवी देख रही हूँ उसमें भी तुमको परेशानी है, अब क्या करना है? मक्खन ही खिलाओगे और क्या खिलाओगे, मक्खन खिला खिला के तो ये हाल हो गया है हमारा, तुमको तो बिना मक्खन के कोई खाना ही बनाना नहीं आता है। तो अभी इसमें बटर दे दिया। ईशु ये निमाई भैया को पता नहीं मुझे खाना बनाना सिखाने का क्या जोश पड़ा है, उनको सुबह से कोई स्टूडेंट नहीं मिला है, बार बार मेरे कोई पकड़ के इसमें घुसा के बोलते ये लो ये दो। और देखो अदरक लहसुन का पेस्ट दे दिए इसके बाद। अच्छा तो बटर में फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, कलर देंगे। अब ये क्या है बोलो तो, घपक घप दे रहे, देखो कश्मीरी मिर्च दिया फिर टमाटर दिया। अच्छा आज तो मतलब इतना स्पीड में कर रहे हैं, इतना भी कोई नहीं सीख गया है खाना बनाना आपके साथ निमाई भैया, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मेथी कस्तूरी मेथी हो गया, अब इसमें दाल, हाँ हाँ देखो दाल मखनी का कलर आ गया, जितना बटर और जितना क्रीम। हाँ हम तो बिना क्रीम के बना, ओह क्यों क्रीम दे दो, अच्छा बनेगा। हाँ दे दो, जब खिला ही रहे तो प्यार से खिलाओ और क्या, कल और दोहरा हम लोग दौड़ लेंगे। अमूल फ्रेश क्रीम जाएगा, आई थिंक ये ही निमाई भैया का सीक्रेट वेपन है, हर खाना में क्रीम डाल देते हैं और इसी से कितना टेस्टी हो जाता है खाना। देखो ये दाल मखनी मोर ऑर लेस 80% तैयार है। हम लोग थोड़ा डांस में खो गए, इन द मीन टाइम ये दाल मखनी हमारी बन गई।
क्या कर रहा है यार, बंद करो यार, क्या कर रहे हो।